शानदार सैटर्न के चारों तरफ अनेक अद्भुत चंद्रमाओं की श्रृंखला परिक्रमा कर रही है। हम जैसे जैसे उसे करीब से देखते हैं, उतना ही हमें उसके चंद्रमाओं की अलग ही दुनिया दिखाई देती है, पृथ्वी की तरह गतिमान। सूर्य से लगभग 1.5 अरब किलोमीटर दूर इस बर्फ से भरी जमीन पर शायद जीव भी बसते हों। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर अगर कहीं और जीवन हो सकता है तो वो है सैटर्न के मून्स पर। हर नए मिशन के साथ हम सैटर्न के चंद्रमाओं के रहस्यों को खोलने के और करीब पहुंच जाते हैं। अक्टूबर 2019 को एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैस के भंडार सैटर्न का चक्कर लगाने वाले 20 नए चंद्रमाओं की खोज की। इस लगभग 5 किलोमीटर नन्ही चीज के खोजे जाने के साथ ही सैटर्न के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 80 से भी ज्यादा हो गई, इस सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे ग्रह से अधिक। मैं यहाँ फेवरेट नहीं तय कर सकती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सैटर्न मेरा फेवरेट प्लैनेट है। अपने चंद्रमाओं और रिंग्स के साथ ये बेहद सुंदर है और बहुत रहस्यमय भी। उसमें देखने लायक बहुत कुछ है, वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले हमें सैटर्न को और उसके छल्लों को देखने का मौका दिया था। 20 साल बाद कसीनी ने तो उसके बहुत से चंद्रमाओं को करीब से दिखाया। वहां प्रोमीथियस, पैंडोरा और एटलस हैं। उसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो रहस्यों से भरा हुआ है। वहां माइमस भी है, जो बहुत छोटा है, और टेथिस और डियोनी उससे थोड़े बड़े हैं। वहाँ एक चांद का जोड़ा भी है, जेनस और एपिमिथियस, जो शायद पहले एक ही थे। लायापिटस, जिसका आधा हिस्सा चमकता हुआ सफेद रंग का है और दूसरा कोयले की तरह काला, जैसे यिन और यांग। सैटर्न के हर चांद के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और वो बहुत दिलचस्प है। 2005 में कसीनी ने पाया कि इनमें से एक चांद की कहानी खास तौर पर अधिक रोमांचक है। हाँ, एनसेलेडस। एनसेलेडस सैटर्न के छोटे चंद्रमाओं में से एक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर की है, यानी कि कोलोराडो स्टेट के बराबर। स्पेसक्राफ्ट के कैमरा से एनसेलेडस के तालाबों के पानी से करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाप निकलती हुई नजर आई। एनसेलेडस की सारी हॉट स्प्रिंग से भी 3 गुना अधिक रफ्तार से। छोटे से एनसेलेडस पर गीजरों के फूटते हुए फव्वारों की खोज को देखकर वहां के चांद के बारे में हमारी समझ बिल्कुल बदल गई, क्योंकि उन्हें तो ठंडा और सूखा होना चाहिए था। वो जीवित है, वो चंद्रमा एक्टिव है। मैं एनसेलेडस की सतह पर खड़े होकर वहां से उभरती हुई भाप और सुपरसोनिक रफ्तार से निकलते हुए बर्फ के फव्वारों को देखना चाहूंगा। कसीनी के सेंसर्स ने एनसेलेडस की बर्फ से जमी हुई सतह के नीचे गहराई में खोज की, जहां उन्हें पथरीला भीतरी भाग मिला। साथ ही कुछ और भी मिला, जो और भी ज्यादा शानदार था। जमी हुई बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी का एक सागर है। नापने से पता चला कि एनसेलेडस के अंदरूनी भाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 10 किलोमीटर गहरा है, जो एनसेलेडस को अपने एक्सिस पर हिला रहा है, जैसे गेंद के अंदर पानी भर के उसे छोड़ दिया जाए, जिससे बॉल के अंदर जो पानी भरा है वो उछलने लगेगा। एक अनजानी अजनबी जगह में विशाल सागर का होना बहुत सी रोमांचक नई संभावनाओं को खोल देता है। जहां आपको पानी मिला है, वहां जीवन भी मिल सकता है। अगर आपने 20 साल पहले ये पूछा होता कि पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में कहीं और जीवन है, तो मेरा जवाब सैटर्न के चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सूरज से अरबों मील दूर सैटर्न के चारों ओर घूमते हुए ये चांद सबसे अच्छी जगह होगी जहां पर शायद आपको जीवन मिल सकता है। जुलाई 2021 में कसीनी के तालाबों की खोज की दोबारा जांच की गई और पाया गया कि वहां बड़ी मात्रा में मीथेन भी है। इनके बड़ी मात्रा की व्याख्या केवल रासायनिक तत्वों की जांच से नहीं की जा सकती। शायद ये मीथेन शुरुआती जैविक पदार्थ से बनी होगी जो टुकड़े टुकड़े होकर एनसेलेडस के सागर में गिरा होगा, या शायद ऐसी प्रक्रिया से जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। वो सूक्ष्म जीवाणु भी हो सकते हैं जिनकी मदद से मीथेन पैदा हो रही हो, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर होती है। एनसेलेडस मुमकिन है कि बहुत ज्यादा उस पृथ्वी की तरह हो जब हमारे गहरे समुद्रों में जीवन पनप रहा था, क्योंकि एनसेलेडस पर वो सारी रासायनिक गतिविधि होने की संभावना है जो पृथ्वी पर हो रही थी। ये केमिकल पृथ्वी पर समुद्र के ठंडे तल पर स्थित गर्म गीजरों से निकलकर किसी भी जीवन की शुरुआत होने के लिए महत्वपूर्ण रसायन समुद्र में छोड़ते हैं। गर्म भाव का फव्वारा छोड़ने वाले ये छेद जीवन शुरू करने में मदद करते हैं। ये पृथ्वी पर बनी वो दरारें हैं जहां से पृथ्वी अपने अंदर का गर्म पदार्थ समंदर में निकाल सकती है, और यही वो ऊर्जा है जिसे जीवन अपना रूप लेता है। साथ ही पानी भी है, यानी हर वो चीज मौजूद है जिसके जरिए कोई भी पदार्थ इनके साधनों को ग्रहण करके विकसित हो सकता है। पृथ्वी पर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी भाप के फव्वारे मीथेन बनाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। बाकी की मीथेन इनके आसपास रह रहे सूक्ष्म जीवाणु बनाते हैं। शायद एनसेलेडस के गहरे समंदरों के नीचे रह रहे इसी तरह के सूक्ष्म जीवित अणु भी वही काम करते हों। एनसेलेडस के भाप के फव्वारे शायद वो सही जगह बना पाए जो केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री में बदल दे और फिर जीवन में। हाइड्रोथर्मल वेंट्स को तपते हुए केंद्र से केवल गर्मी चाहिए। तो एनसेलेडस के भीतर क्या होता है? यह सोलर सिस्टम के ठंडे बाहरी क्षेत्र में एक बर्फीला चांद है, लेकिन इसमें गर्मी कहां से आ गई? कसीनी ने एनसेलेडस पर नदियों को दरारों से फूटते हुए देखा जो पैरेलल थी, इसलिए उसने इनका नाम टाइगर स्ट्राइप्स रख दिया। ये दरारें गीजर्स की और उन्हें देने वाली ऊर्जा का सुराग देती हैं। अगर हम एनसेलेडस के ऑर्बिट को देखें तो हम पाएंगे कि यह ग्रह चारों ओर से पूरी तरह गोलाकार नहीं है, यह हल्का सा एलिप्टिकल है। इसका मतलब हुआ कि ज्वार भाटा ताकतें जो मून को प्रभावित करती है वो समय के साथ बदलती है। ये हमारी इस रबर की गेंद की तरह है। जब मून ग्रह के पास होता है ये बाहर की तरफ खिंचता है, और जब दूर जाता है तब इस पर कम खिंचाव होता है। तो अगर आप इस तरह मून को बार बार अधिक और कम खिंचाव के बीच आकार को बदलते रहेंगे तो समय के साथ उसमें हीट तो पैदा होगी ही। मध्य का पथरीला गर्म भाग सागर को गर्म कर देता है। दोनों मिलकर गीजर को ताकत देते हैं जिससे वो सतह के ऊपर फूट पड़ते हैं, और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो शायद जीवन की उत्पत्ति में सहायक हों। हमने एनसेलेडस की भीतरी सतह से ऊर्जा के स्रोत को पानी फेंकते देखा। उस ऊर्जा के स्रोत और पानी की गतिविधि को देखते हुए हमें लगता है कि पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत ऐसी किसी प्रक्रिया से हुई होगी। अगर ऐसा ही है तो कौन जाने सैटर्न के किसी एक मून की सतह पर कोई जीव तैरता हुआ मिल जाए। सैटर्न के एनसेलेडस को बार बार निचोड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया ने शायद एक जीती जागती दुनिया खड़ी कर दी हो, लेकिन दूसरे मून इतनी किस्मत वाले नहीं रहे। वो आपसी भीषण टकराव में टूट फूट के बाद बिखर गए। सैटर्न के चारों तरफ बहुत सी किस्मों के मून चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़े टाइटन से लेकर
ऐसे मून्स जो किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बराबर हों। जरूर कुछ ऐसा प्रभावशाली हुआ होगा जिसने ऐसी व्यवस्था बनाई जो इतनी जटिल और परिवर्तनशील है। साइज में इतने ज्यादा बदलाव को समझने के लिए वैज्ञानिक सैटर्न के चारों ओर मून के ऑर्बिट में सुराग ढूंढते हैं। उस सिस्टम के सारे चंद्रमा एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं जो कि संयोग नहीं है, और ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद का मोशन है। ये संकेत देता है कि मून की रचना भी सैटर्न की रचना के समय में ही हुई। 4.6 अरब साल पहले ये बिना छल्ले वाला दैत्य गैस, पत्थर और बर्फ से गैस के बने एक छल्ले के बीच में उत्पन्न हुआ था अपने चंद्रमाओं के परिवार के साथ। यह अनुमान सैटर्न के अधिकतर चंद्रमाओं के विषय में सत्य है, लेकिन उन पदार्थों के लिए नहीं जो हाल ही में खोजे गए हैं और उसी ऑर्बिट में विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मून है जो दूसरी दिशा में परिक्रमा लगा रहा है तो उसकी रचना ग्रह के साथ नहीं हुई, वो कहीं और से आया हुआ है। सैटर्न ने इन चंद्रमाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, लेकिन कहां से? हमें लगता है कि 4 अरब सालों से भी पहले सोलर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था, जब ये बड़े बड़े ग्रह एक दूसरे के करीब आ चुके थे, जिससे उनकी रफ्तार पर असर पड़ा, जिससे वो ऑर्बिट में फैल गए और वहां चक्कर लगाने लग गए। और इसी प्रक्रिया के दौरान कई छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स सोलर सिस्टम में फैल गए, वो भी हर दिशा में। इस प्राचीन बदलाव में एस्टेरॉइड ने इन फैले हुए पत्थरों में से बहुतों को अपने कब्जे में कर लिया। ग्रह के आसपास इन्हीं तत्वों की भीड़ जमा है, जिसका मतलब है बहुत सारे आपसी टकराव। इनमें से कुछ विनाशकारी होते हैं और दूसरे नए मून का रूप ले लेते हैं। इस ब्रह्मांडीय खेल में कुछ मून चक्र से बाहर फेंक दिए जाते हैं और बचने वाले सैटर्न के ऑर्बिट में आ जाते हैं। इस मारकाट में केवल एक सबसे बड़ा मून बचता है, और उस टक्कर की वजह से जितना भी ढेर है वो सारा टाइटन में समा गया। टाइटन का निर्माण प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी ग्रह के चारों तरफ गैस और धूल के बादल के एक छल्ले में मौजूद कणों से ही उसी समय हुआ होगा जब सैटर्न का हुआ, लेकिन इस जमे हुए मलबे के टुकड़ों में बाद में टकराव होने लगा। सैटर्न के चारों तरफ घूम रहे ये पदार्थ इकट्ठा होकर इतने बड़े हो गए कि इसने एक घना वातावरण बना लिया। जब वॉयजर ने टाइटन की तस्वीर खींची, उसमें साफ दिखाई दिया कि टाइटन का वातावरण बहुत घना था, जो कि बहुत रोमांचक बात थी, लेकिन इतना अधिक घना था कि उसमें प्रवेश करना मुश्किल था। वॉयजर के 20 साल बाद जो हॉयगेंस नामक खोज की जा रही थी वो रुक गई, क्योंकि कसीनी टाइटन के अति घने और धुंधले वातावरण में खोकर ध्वस्त हो गया। टाइटैनिक की जमीन की जो पहली तस्वीरें हमारे सामने आई वो बेहद ही चौंका देने वाली थी, अद्भुत थी। उसमें दिखा कि वहां पहाड़ मौजूद थे और उनमें एक तरह का कटाव था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पहाड़ों पर से कोई तरल अपने साथ पदार्थ भी बहा लाया हो। ये तरल कहीं से तो आया होगा, और बारिश के अलावा और कहां से आ सकता है, यानी टाइटन पर बरसात होती है। इस सोलर सिस्टम में हमने सिर्फ 2 जगहें ढूंढी हैं जिनमें पानी है और बरसात होती है, पृथ्वी और टाइटन। इस जगह में बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है, ये जगह पृथ्वी से बहुत ही मिलती जुलती है। मिलती जुलती लेकिन बिल्कुल वैसी ही नहीं। टाइटन के वातावरण में हमारी पृथ्वी की तरह ही नाइट्रोजन है, लेकिन वहां ऑक्सीजन की जगह मेथेन है। साथ ही वहां का वातावरण पृथ्वी से 50% अधिक घना है। पृथ्वी पर किसी ऐसे बुरे दिन की कल्पना कीजिए जो सबसे अधिक काले कोहरे से भरा हो। अब इसके 10 गुने अधिक बुरे वातावरण में चांद की कल्पना कीजिए, वहां ऐसा ही वातावरण था। इस स्मॉग का भौतिक स्वरूप कुछ विचित्र संभावनाओं का सुराग दे सकता है।
टाइटन के घने और मोटे वातावरण का नतीजा ये है कि यहाँ बारिश बहुत धीमी होती है, तो अगर आप बारिश में गाते नाचते इसका मजा लेना चाहते हैं तो आपको अपना जोश कम करना होगा, क्योंकि यहाँ बारिश की बूंदें धीमे धीमे गिरती हैं। वो बारिश जो टाइटन की झीलों और नदियों को भरती है वो पानी की नहीं बल्कि तरल मेथेन की होती है। अगर पृथ्वी के हर एक तेल के कुएं और सभी पेट्रोल पंप्स लीक कर जाएं, तब वैसे ही हालात यहां भी हो जाएंगे जैसे वहां हैं। टाइटन पर मेथेन तरल रूप में इसलिए है क्योंकि वहां का तापमान -178 डिग्री सेल्सियस है, जो कि किसी भी जीव की मौजूदगी के लिए मुश्किल है। मैं तो ऐसे किसी जीव को नहीं जानती जो इतने कम तापमान में जिंदा रह सके, क्योंकि उस तापमान में सेल्स जमने लगेंगे। हमारी कोशिकाएं जो प्रोटीन और चर्बी जैसे पदार्थों से बनी होती है वो काम करना बंद कर देंगी और पूरे शरीर की व्यवस्था मर जाएगी। पृथ्वी पर पानी पर आधारित सेल्स के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन क्या मेथेन पर आधारित जीवन इस चरम ठंडे वातावरण में जिंदा रह सकता है? आल्मा टेलीस्कोप ने टाइटन के नाइट्रोजन और मेथेन से भरे वातावरण में एक सुराग ढूंढ निकाला। टाइटन के वातावरण पर सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से मीथेन और नाइट्रोजन के अणु बिखरते हैं और फिर इकट्ठा हो जाते हैं जैसे लेगो खिलौने के बिल्डिंग ब्लॉक्स, और फिर ये मॉलिक्यूल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं नए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जैसे वाइनल साइनाइड, एक कलाकार के चित्र की तरह। वाइनल साइनाइड जो पृथ्वी पर प्लास्टिक बनाने के काम आता है, वो इन मॉलिक्यूल्स यानी कणों की एक लंबी चेन बना सकता है, ठीक उस तरह की जिससे किसी सेल की झिल्लियां बनती हैं। लेकिन ये पृथ्वी की पानी की बनी सेल्स की तरह अत्यधिक ठंड में नष्ट नहीं होती। ये कम तापमान में भी जीवित रहती हैं। इसलिए हो सकता है कि टाइटन पर ये वाइनल साइनाइड उस तरह की झिल्लियां बना सकता है जिनकी जरूरत सेल के बनने और विकास के लिए होती है, जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। और अच्छी बात तो यह है कि टाइटन पर यह सामग्री प्रचुर मात्रा में है। वहां की सिर्फ एक लेक में 10 अरब टन वाइनल साइनाइड मौजूद हैं। अगर आप उनसे किसी जीव को बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर जायंट स्क्विड्स, आपको जायंट स्क्विड्स पसंद है, बेहतर होगा पसंद कर लें, क्योंकि वहां के वाइनल साइनाइड से आप अरबों जायंट स्क्विड्स बना सकते हैं। सैटर्न के गीजर मून एनसेलेडस पर जीवन होने की संभावना है। शायद टाइटन पर वाकई एलियंस रहते हों। पृथ्वी के मुकाबले टाइटन पर जो तापमान है वो बहुत ही सर्द है, लेकिन टाइटन पर जो जीवन है उसके लिए ये बहुत ही नॉर्मल है। जब हम पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने निकलते हैं तब हमें लगता है वहाँ जीवन पृथ्वी जैसा ही होगा, इसलिए हम दिमाग में ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जैसा जीवन हम पृथ्वी पर देखते हैं। हमें जीवन ढूंढने की अपनी परिभाषा बदलनी होगी। शायद सैटर्न के सिस्टम में दो अलग तरह की दुनिया है, लेकिन टाइटन की सतह पर जीवन को फलने फूलने के लिए उन छोटे छोटे कणों के प्राण घातक तूफानों से जूझना होगा जो लगभग 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य से आते चले जा रहे हैं। सूर्य रोशनी और ऊष्मा प्रदान करता है और इसके अलावा भी कुछ, वो जो बहुत खतरनाक है, सोलर विंड यानी सौर्य आंधी। उसके साथ आने वाले ये विनाशकारी सोलर कर्ण किसी भी ग्रह या मून के वातावरण का सफाया कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के बिना पृथ्वी सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान होती जहां पर पानी नहीं होता, क्योंकि वह भाप बनकर सूख चुका होता, जीवन ही नहीं होता। किस्मत से पृथ्वी की एक अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। पृथ्वी के सेंटर में सॉलिड आयरन कोर है
और उसके चारों तरफ लिक्विड आयन है जो निरंतर चक्कर लगाते हुए अपनी गर्मी को अपने संपर्क द्वारा चारों ओर भेजता रहता है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और फिर ये फोर्स ऐसा फील्ड तैयार करती है जिसकी वजह से ये सोलर विंड हम तक नहीं पहुंच पाती। हमें लगता है कि सैटर्न के मून के मध्य में पिघला हुआ तरल लोहा नहीं है, इसलिए सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इसलिए वो सोलर विंड की मेहरबानी पर निर्भर करता है। इसे देखकर ये सवाल उठता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना मोटा और घना क्यों नहीं है। टाइटन का बिना किसी सुरक्षात्मक कवच के इस तरह का वातावरण होने का कोई औचित्य नहीं है। टाइटन का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन सैटर्न का है। तो मुमकिन है शायद कोई इंटरैक्शन होती होगी टाइटन के एटमॉस्फेयर और सैटर्न के जायंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच। विशालकाय गैस के भंडार का मालिक सैटर्न अपने इर्द गिर्द पृथ्वी से 600 गुना अधिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो टाइटन को सोलर विंड से बचाने के लिए पर्याप्त है। तो टाइटन खुद की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन सैटर्न एक मदरशिप की तरह है जो अपने जायंट फोर्स फील्ड से टाइटन की रक्षा कर सकता है। सैटर्न की इस सुरक्षा के बावजूद टाइटन अपना कुछ वातावरण खो देता है, क्योंकि कभी कभी ये मून अपने सुरक्षात्मक सैटर्न से भटककर दूर चला जाता है। टाइटन ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही परिक्रमा करता है, लेकिन उसका ऑर्बिट पूरी तरह से गोल नहीं होता बल्कि एलिप्टिकल होता है। इसीलिए जब टाइटन ग्रह की परिक्रमा कर रहा होता है, बहुत थोड़े समय के लिए वो अपने ऑर्बिट से लगभग 5% मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाता है, फिर वापस अंदर आ जाता है। लेकिन कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा भटक जाने से इसे कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। अजीब बात है कि टाइटन जब सैटर्न के सुरक्षा क्षेत्र को छोड़ता है तो अपने साथ कुछ बची कुची मैग्नेटिक फील्ड भी ले आता है, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फील्ड इस पर रह जाती है जो इसे सोलर विंड से बचाती है। ये उस मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी बहुत मेमोरी बचा कर रखता है और उसके साथ उसकी सुरक्षात्मक शक्ति भी। ऐसा लगता है जैसे सैटर्न टाइटन को मैग्नेटिक फील्ड बनाना सिखा रहा हो और टाइटन थोड़ी देर के लिए याद रखता है, फिर सीखने के लिए घर वापस लौटता है। ये मैग्नेटिक मेमोरी टाइटन की सतह को सोलर विंड से सुरक्षित रखकर किसी भी तरह के जीवन को विकसित होने में मददगार हो सकती है। साथ ही कसिनी एक ऐसा सुराग और खोजता है जिससे सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड अपने मून्स पर भी जीवन के विकास के लिए उपयोगी हो। सैटर्न के इर्द गिर्द सबसे अद्भुत खोजों में से एक ये थी कि वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए न केवल चार्ज हुए कणों को सूरज से चांद तक ले जाता है, बल्कि एक से दूसरे मून तक पदार्थ भी ले जाता है। सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड टाइटन के साथी मून एनसेलेडस से लाए गए पदार्थों के जरिए उस पर जीवन की उत्पत्ति की संभावनाओं में सहायक होती है। मैग्नेटिज्म बहुत ही शक्तिशाली चीज है, लेकिन इस तरह इतने बड़े पैमाने और क्षेत्र पर एक मून से दूसरे मून पर पदार्थ ले जाना, ये बहुत लाजवाब है। सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड एनसेलेडस के गीजरों से विस्फोट के कारण निकले पानी के कणों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और जो ऑक्सीजन बचती है उसे टाइटन तक ले जाती है। सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड इस व्यवस्था में मून्स के बीच एक हाईवे का काम करती है जो एनसेलेडस से टाइटन तक ऑक्सीजन ले जाती है। लेकिन एक परेशानी पैदा हो जाती है जब ऑक्सीजन टाइटन को छोड़कर चंद्रमाओं के बीच के इस हाईवे से अलग होने की कोशिश करती है। नॉर्मली ऑक्सीजन टाइटन के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं करेगी, वो मेथेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी। इसलिए मून की सतह तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन को फुलुरीन नाम की चीज का सहारा लेना पड़ता है। फुलुरीन सॉकर बॉल जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बीच में से खोखले होते हैं। अगर ऑक्सीजन का एक एटम उसके अंदर पहुंच जाए तो वो टाइटन के एटमॉस्फेयर तक जा सकता है।
ऑक्सीजन के सतह पर पहुंच जाने के बाद वो अमीनो एसिड्स बनाने में मदद करेगी जो प्रोटीन के ब्लॉक्स बनाने के लिए आवश्यक है। ये जीवन की उत्पत्ति की राह में एक और कदम होगा। जरा सोच के देखिए कि कितने सारे संयोगों का होना जरूरी है इन सारे केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए। अगर ये ऑर्बिट ऐसा ना होकर किसी दूसरी तरह का होता तो टाइटन होता ही नहीं। सैटर्न अपने चंद्रमाओं पर जीवन होने की संभावनाओं की रक्षा करता है और देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी इसके बदले में उसे कुछ देते हैं। सैटर्न के चारों ओर उसके छल्ले को बरकरार रखने में मदद करके। करीब 3,00,000 किलोमीटर का व्यास, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ 30 फीट की मोटाई, सैटर्न के रिंग्स ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है। ये कब और कैसे शुरू हुए ये अभी भी राज है। सैटर्न की ये रिंग्स दरअसल इस ग्रह की पहचान है और इस सोलर सिस्टम में इसकी खास जगह है, क्योंकि किसी दूसरे ग्रह के पास इतनी बड़ी और खूबसूरत रिंग्स नहीं है। दूसरे सभी गैस के विशाल भंडार वाले ग्रहों के अपने रिंग्स हैं, छोटे बड़े पतले गहरे, लेकिन सैटर्न जैसा कोई नहीं। इसलिए लगता है सैटर्न के साथ कुछ खास ही हुआ होगा। उसके रिंग की रचना से एक सुराग मिलता है। उसमें लगभग 99% पानी और बर्फ है जो रिंग को इतना चमकदार बनाता है। यहां से एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी थ्योरी के लिए एक और सुराग मिला। हमें नहीं मालूम कि सैटर्न के ये बर्फ के रिंग्स कैसे बने। हमें ये भी नहीं पता वो कितने पुराने हैं। एक आइडिया ये है कि इनका निर्माण पास के ही एक मून जिसमें बर्फ थी उससे हुआ है। कितनी हैरत की बात है। अरबों साल पहले सैटर्न बिना रिंग्स के रहा होगा और साथ में इसका एक बर्फ से भरा बड़ा मून होगा। वो मून इतना बड़ा था कि उसकी ग्रेविटी भारी भारी चट्टानों को अपने सेंटर तक खींच रही थी और बर्फ जो हल्की थी उसके ऊपर तैर रही थी। हमारा ख्याल है कि मून सैटर्न के बहुत पास तक भटकता हुआ चला आया। सैटर्न की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये फट गया। इसकी बर्फ इसकी चट्टानों से अलग हो गई जो ऑर्बिट में रह गई और वो सैटर्न की रिंग बन गई और चट्टानी हिस्सा सैटर्न से चिपक कर उसी का हिस्सा बन गया। किसी बड़े मून के विनाश ने ही शायद इस रिंग को जन्म दिया, लेकिन आज ये जैसे दिखाई दे रहे हैं उसका कारण वो मून्स हैं जो आज भी जिंदा हैं। आप जितनी बार भी सैटर्न की रिंग्स को देखेंगे आपको इनमें बदलाव नजर आएंगे और ये एक दूसरे के साथ मिलते हुए भी नजर आएंगे। हमें नहीं पता था कि सैटर्न की इन रिंग्स में इतनी खूबसूरती और इतना रहस्य होगा। सैटर्न के दो चंद्रमा प्रोमीथियस और एटलस इस रिंग में जड़े हुए हैं और इनका रवैया बहुत अद्भुत है। इनमें से जो सबसे छोटे चंद्रमा है वो रिंग के अंदर ही फैले हुए हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही आश्चर्यजनक हरकतें कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रिंग के बाहरी किनारे को बांधकर उन्हें अपनी जगह पर रखे हुए हैं। मून का गुरुत्वाकर्षण रिंग की सफाई करता रहता है और कभी कभी जाते हुए अपने पीछे डिजाइन छोड़ता जाता है। सैटर्न की रिंग्स एक जगह ठहरी हुई नहीं है, इसी वजह से रिंग और मून के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटरैक्शंस होते हैं जिससे खूबसूरत वेव्स बनती हैं और ये नजारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सैटर्न, उसके मून, उनके रिंग्स का डांस और इन सब का आपसी जुड़ाव, सब कुछ मिलकर बहुत आकर्षक हो जाता है। ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक जीती जागती अभूतपूर्व जगह है। सैटर्न के मून अपनी रिंग्स को सिलसिलेवार ढंग से रख तो सकते हैं, लेकिन वो इतनी साफ सुथरी कैसे है इसका कोई जवाब नहीं मिला है। बिल्कुल अनछुआ। ये बहुत चमकदार है। अगर ये अरबों साल पुराने होते तो इनके ऊपर कुछ डस्ट होती या फिर रंग थोड़ा गहरा होता।
लेकिन उनके इतने चमकदार होने से लगता है ये इतने पुराने नहीं जितना हम इन्हें पहले समझते थे। ये रिंग्स जो हम आज देख रहे हैं वो शायद हाल ही में हुई किसी नई गतिविधि का नतीजा है। ये रिंग शायद कुछ लाख साल पुरानी है जब डायनासोर्स हुआ करते थे। अगर डायनासोर्स के पास टेलीस्कोप्स होते तो उन्होंने बिना रिंग्स के सैटर्न को देखा होता। ये भी सवाल उठता है कि आज की रिंग्स की जो ये व्यवस्था है क्या ये पहली है या इसके पहले सैटर्न के पास दूसरी कोई व्यवस्था थी जो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो गई। शायद कोई कॉमेट करीब आ गया हो और सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर नई रिंग का निर्माण कर गया हो। बाद के डायनासोर्स शायद इन रिंग्स को बनते देख पाते, उसके बाद एक एस्ट्रॉयड उनको खत्म कर देता। तो डायनासोर्स की किस्मत खराब थी क्योंकि उनके पास अच्छे टेलीस्कोप्स नहीं थे। हमें अभी तक यह नहीं पता कि सैटर्न के रिंग्स इतनी साफ सुथरी कैसे हैं। मुमकिन है कि ये रिंग्स पुरानी हो और उनमें साफ सफाई का सिस्टम हो जो डस्ट साफ करे, जिसकी वजह से वो नए दिख रहे हैं। या फिर शायद ये रिंग्स कम उम्र के हों और ये मौजूदा रिंग इनकी सातवीं या आठवीं पीढ़ी हो। ये दूसरे ग्रहों की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। इससे जुड़े रहस्य अभी तक बने हुए हैं। हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि वहां क्या क्या हुआ होगा, लेकिन सैटर्न के बारे में बहुत कुछ जानना है। कसिनी भ्रांतियां दूर कर रहा है। उसने नए मून के बनने की प्रक्रिया को ढूंढ निकाला है और रिंग से इसकी शुरुआत हुई है। सैटर्न तक पहुंचने के अपने 13 साल के सफर के बीच में कसिनी एक दिलचस्प तस्वीर लेता है। सैटर्न की सबसे बाहरी रिंग पर एक चमकदार बिंदु, ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। सैटर्न की इन रिंग्स को जब मैंने देखा मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था वहां एक लंप है, शायद वहां एक नया चांद बन रहा है, उसका नाम पेगी रखा गया। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसकी सास के नाम पर इसका नाम रखा गया। पूरी तरह से एक मून माने जाने के लिए पेगी अभी बहुत छोटा था, लेकिन पास ही पदार्थों का एक समूह परिक्रमा कर रहा है जो इतने बड़े हैं कि उन्हें मून कहा जा सकता है, और वो बहुत अजीब हैं। ये सभी चंद्रमा बहुत असाधारण हैं, जितनी भी हमने आज तक देखे हैं। ये उनसे अलग है, ये एक टेढ़े मेढ़े आलू की तरह हैं, और ये शायद किसी इटालियन डिश की तरह या गोल बन या किसी ब्रेड की तरह। हम हमेशा खाने से तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह है। सैटर्न का सबसे अजीबोगरीब दिखने वाला मून है पैन। इस पर बिल्कुल ब्रेड की ही तरह दरारें हैं और बाहर की तरफ पेट पर एक लहरदार पट्टा है। ये वहां कैसे पहुंचा? कसिनी ने एक सुराग खोज निकाला। सैटर्न के रिंग्स की तरह ही ये चांद लगभग पूरे के पूरे बर्फ के बने थे। रिंग में रहने के दौरान ये अपने अति छोटे आकार से बढ़कर बड़े हो गए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा नाजुक और कमजोर होंगे, जैसा कि एक स्नोफ्लेक सैटर्न के चारों ओर घूम रहा है। उसके बाद ये पदार्थ इकट्ठा करते करते बड़े हो गए। एक छोटे स्नोबॉल की कल्पना कीजिए जो लुढ़कते लुढ़कते अपनी बाहरी सतह पर बर्फ के छोटे कण इकट्ठा करता रहता है। उसी तरह रिंग्स के अंदर भी ये परिक्रमा करते हुए यहाँ के गुच्छों को इकट्ठा कर लेता है, और जब ये बाहरी छोर पर पहुँचते हैं तो अलग होकर एक नया छोटा चंद्रमा बन जाते हैं। अंतरिक्ष के ये बर्फ के गोले जो लंबाई चौड़ाई में लगभग 16 किलोमीटर के होते हैं, अपने साइज की वजह से इतने बेडौल आकार के होते हैं। मून के साइज से इनका आकार निर्धारित होता है, क्योंकि जब मून एक तय साइज से बड़े हो जाते हैं तब वो गोल नहीं रह सकते। यहाँ के पत्थर या बर्फ इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये थोड़े से अंडाकार होते हैं। कुछ टकराव होते ही ये सैटर्न के लहरदार ब्रेड के आकार के मून बन जाते हैं। ये विचित्र प्रक्रिया है जिसका अंत सुंदर होता है।
हम जानते हैं चांद रिंग्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ रिंग्स चांद को अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये रिंग्स एक तरह से मून की फैक्ट्री बन जाते हैं, जिनमें नए संसार की अनगिनत पीढ़ी दर पीढ़ी रचने की क्षमता है। ये एक डांस है फिजिक्स का। रिंग के अंदर के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े मिलकर एक चांद बनाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं, और उन दोनों की बीच की ग्रेविटी चांद को बाहर धकेल देती है। बाहर जाते वक्त भी वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन तब तक एक नया चांद बन चुका होता है। तो इस तरह ये चांद बनते ही जाते हैं, और ये प्रक्रिया एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि बड़े चांद बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं और छोटे चांद अंदर की तरफ। लेकिन एक दिन सैटर्न की एक कन्वेयर बेल्ट खत्म हो जाएगी। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रभाव रिंग के इन टुकड़ों पर पड़ता है, वो सैटर्न के बाहर के ऑर्बिट में चल रही गतिविधि को तहस नहस कर देता है। सूरज इस रिंग में ऊर्जा भर देता है और इसे चार्ज कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा खींचे जा सकते हैं, जिससे चार्ज हुए ये छोटे छोटे टुकड़े जो रिंग से बाहर खींचे गए, वो सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड में आकर उसके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ये चार्ज हुए टुकड़े बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं। सैटर्न के ऊपर उनकी बारिश हो जाती है, ऐसी मात्रा में जो हर सेकेंड एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को भर दे। 10 करोड़ सालों से भी कम समय में सैटर्न की यह रिंग विलुप्त हो जाएगी। तब वहां नए चांद बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सैटर्न के मून्स और रिंग्स के बारे में सोचना मेरे लिए एक मिला जुला अनुभव है, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि फिजिक्स कितना कुछ बना सकता है, पर ये भी कि कितना कुछ गायब हो सकता है, तबाह हो सकता है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम इसे जितना करीब से देखते हैं, सैटर्न का सिस्टम उतना ही पहेली बनता जाता है। साइंटिस्ट्स के पास एक साहसी नया प्लान है। सैटर्न के किसी एक चांद पर एक ड्रोन छोड़ना। सैटर्न इस सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा गतिविधि वाले ग्रहों में से एक है। हम बार बार वहां जाना चाहते हैं ताकि करीब से उसके चंद्रमाओं को देख सकें और स्वयं ही वहां जीवन की खोज कर सकें। हम इतने सालों से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी ग्रह पर रहने के लिए तापमान अनुकूल होना चाहिए और सूर्य की तरह उसका अपना स्टार होना चाहिए। जीवन के मिलने की अधिक संभावना शायद सैटर्न के चंद्रमाओं पर है, लेकिन ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हम एक और मिशन सिर्फ इस काम के लिए ना भेजे। हॉयगेंस की खोज ने हमें टाइटन की सतह की लुभावनी तस्वीर दी, लेकिन वो जीवन खोज निकालने के लिए सक्षम नहीं था। अब वैज्ञानिक अंतरिक्ष के लिए एक ड्रैगनफ्लाई नामक हेलीकॉप्टर का विकास कर रहे हैं जो जीवन खोज सकता है। ड्रैगनफ्लाई एक अद्भुत मिशन है। हम इसे टाइटन पर भेज रहे हैं ताकि बेहतर तरह से समझ सकें कि जीवन धरती से अलग भी हो सकता है। एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइटन दिलचस्प है और यहाँ रासायनिक तत्व हैं। अब देखना यह है कि क्या यहाँ जीवन संभव है या नहीं है। सबसे अहम सवाल, क्या वहां पर जीवन है? अप्रैल 2021, हम स्पेस हेलीकॉप्टर को टेस्ट कर रहे हैं। इंजीन्यूटी दूर एक दूसरी दुनिया मार्स पर अपनी पहली उड़ान भरता है।
मार्स पर उड़ना एक कठिन काम है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना कम सघन है, और ये एटमॉस्फेयर ही है जो हेलीकॉप्टर को उड़ने या उड़ते रहने में उसकी मदद करता है। इसलिए इंजेन्यूटी को जमीन से उठने और उड़ते रहने के लिए पंखों को बहुत तेज गति से घुमाना होगा। खुशकिस्मती से टाइटन का सघन वायुमंडल हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए बेहतर है। दोनों मिशन इंजेन्यूटी और ड्रैगनफ्लाई में बहुत अंतर है क्योंकि मार्स पर वायुमंडल है ही नहीं। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के दबाव से 1% से भी कम है। वहीं टाइटन पर इसका उल्टा है। टाइटन की सतह के पास का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 4 गुना अधिक है। इसलिए ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसा कुछ या ऑक्टोकॉप्टर जैसों के लिए जितनी ग्रेविटी कम होगी और एटमॉस्फेयर जितना डेंस होगा वो उतने ही अच्छे से उड़ेंगे। टाइटन हमें खुद खोज के लिए बुला रहा है क्योंकि यहाँ आराम से उड़ सकते हैं और अब भारी यंत्र भी ले जा सकते हैं। यहाँ आसानी से उड़ान भरी जा सकती है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा सकते हैं और ये तय किया जा सकता है कि चांद पर जीवन के तत्व हैं या नहीं। अगर दुनिया में ड्रोन उड़ाने के लिए सबसे सही जगह कोई है तो वो है टाइटन। ड्रैगन फ्लाई उड़ते समय इतना आकर्षक लगता है कि इस पर बैठकर उड़ान का मजा लेने का मन करता है। कुछ पुरानी फिल्म्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जिनमें इंसान की मानव संचालित उड़ान भरने की कोशिशों के पहले प्रयोग देखे जा सकते हैं, जिनमें पुलों से कूद रहे हैं हाथों में पंख बांध के, जिसमें नॉर्मली एक्सीडेंट ही होता है। मजे की बात यह है कि ये प्रयोग कुछ सदी पहले कर दिए गए क्योंकि आज आप टाइटन पर वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। टाइटन की सतह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन वहाँ की सघनता यहाँ से 4 गुना अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने हाथों पर पंख बांध लें और उन्हें जोर से फड़फड़ाएं, तो मुमकिन है कि आप टाइटन पर उड़ सकते हैं। ड्रैगनफ्लाई 2027 में लॉन्च होगा और 7 साल बाद टाइटन पर पहुंचेगा। साथ ही जो यात्रा मून की खोज के लिए वॉयेजर और कसीनी के साथ शुरू हुई थी उसका अंत होगा। हमने सैटर्न के सिस्टम, उसके मून्स और रिंग्स के बारे में अपनी पूरी समझ को बदल के रख दिया। वहां का वातावरण जितना हम समझते थे उससे कई ज्यादा जटिल है। मून जीवंत हो गए हैं, अब वो बोरिंग बर्फ का गोला नहीं रहे। आने वाले वक्त में इसकी और जानकारी हासिल करने के लिए खोज जारी रखनी होगी। अभी तो सैटर्न के चंद्रमाओं के रहस्यों के ऊपर से सिर्फ परत उठना शुरू हुई है और ऐसी खोज के लिए 80 से अधिक चंद्रमा हैं, इसलिए सैटर्न की व्यवस्था हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाला इनाम है। जब मैं बच्चा था तब टेलीस्कोप से पहली चीज जो मैंने देखी थी वो सैटर्न था, और जाहिर है कि मैं उससे और उसकी खूबसूरती से प्रेरित हुआ था। सैटर्न हमेशा से मेरा पसंदीदा ग्रह रहा है। आपको जो भी चाहिए वो वहाँ है। चंद्रमाओं का टकराना, नई रिंग्स का बनना और समय के साथ नए चंद्रमाओं का बनना। और हो सकता है वहाँ जीवन मौजूद हो, हो सकता है एक से ज्यादा जगहों पर जीवन मौजूद हो। एक मंजिल, ग्रहों का एक जिप कोड आपको ये सब देता है। मैं तो कहती हूँ सैटर्न पर चलो।